हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। एंड आज मैं प्ले करने जा रहा हूँ डिफिकल्ट गेम अबाउट क्लाइंबिंग पार्ट 4। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भाई ये इस जगह को दिखा देता हूँ। देखो ये जो रेस्ट जोन है ये कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है गाइज देखो। एंड इसका रीज़न ये भी है कि हमें पूरा जंप करते हुए जाना पड़ेगा, और गलती से अगर ये रेस्ट जोन थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है ना तो बहुत सीधा नीचे जा सकते हैं, इसलिए ये बढ़िया है भाई एक चीज़ तो। हाँ लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल भी है भाई अभी तक का, ठीक है। तो हमें इस यहाँ पे जंप करते हुए जाना है गाइस। एंड छोटी मोटी जंप नहीं है भाई, तीन तीन जंप है कंटिन्यूसली। ये ओ भाई पकड़ में ही आ ही गया था भाई, पता नहीं क्यों छूट गए। एंड ये देखो ब्लैक वाला पत्थर ना, ये जानबूझ के दिया हुआ है, इसे हम पकड़ नहीं सकते, और ये बार बार हमें नीचे धकेलने का काम करता है भाई अगर गलती से टच हो गया तो। चलो चलो चलो, परफेक्ट भाई। चलो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है। तो मुझे सेकंड वाले में भी ऐसे ही जंप करना है। ओ भाई मैंने टच कर लिया था उसे, बट अच्छे से जंप करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस भी तो हो रही है कंटिन्यू। ये ले ओके, आप ट्राई करते हैं। वन टू हो गया, हो गया। ओ चलो परफेक्ट, यहाँ से जंप करते हैं। काफ़ी स्मूथ जंप लगा था भाई, मैं अच्छा खासा प्रेशर भी नहीं दिया था, ठीक है। मैं हाथ तो सही जगह पे रखूँ ना, ऐसा ना हो कि गलती से छूट जाए। ये ले फिसल भी रहा है नीचे, पकड़ लिया ना भाई तूने अच्छे से। ठीक है ठीक है। एंड गाइस इस जगह को देखो, यहाँ पे हमें ना उस विंग्स पे जंप कर रहे हैं। विंग्स बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको यार, बोट का एक्सीलेटर्स हैंडल, बोट का हैंडल, ठीक है। तो हमें उस पे जंप करना है, एंड काफ़ी लंबा जंप चाहिए भाई। हो ऊपर टच हो गया था यार इसका मुंडी, ऊपर टच हो गया साला, इधर उधर घूम के गिर गया टकला। चलो कोई ना, सेकंड ट्राई करते हैं। ओके ओह आसान था भाई, यहाँ से भी वैसे ही करते हैं। ओह चलो हो गया गाइस, अगर यहाँ से छूटे ना तो बहुत दुख होगा। कोशिश करने पर अगर गिर जाओ ना तो उतना ज़्यादा नहीं होता भाई दुख, लेकिन यहाँ से अगर गिर जाऊँगा ना तो बहुत दुख होगा। ये ले पकड़ लिया ना। ओके देखो यहाँ पे अक्सर हाथ छूट जाया करती है, और वैसे में भाई बहुत दुख होता है बिना कोई कोशिश किए हुए। ओ भाई बहुत क्लोज था, थोड़ा लॉन्ग जंप करना चाहिए था मुझे। मैं ना ऊपर जाने का ज़्यादा ट्राई करता हूँ, मतलब यहाँ से देखो यहाँ पे हमको थोड़ा ऊपर जंप करना पड़ता है, इसलिए मुझे आदत हो गई है भाई, इसीलिए मैं लंबा जंप नहीं कर पाता। और ये वाला तो पता नहीं कैसे कैसे मैं पकड़ ही लेता हूँ सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। ये लो अभी भी पकड़ ही लिया इसे, ठीक है। नो 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 नो, पहले अच्छे से पकड़ो भाई अपने हाथों को। अबे क्यों बार बार इधर उधर जा रहा है, अच्छे से पकड़ा है ना, भरोसा तो नहीं है बट फिर भी। ओके ओके हो गया हो गया। चलो एंड अब की बार मैं हाथ को यहाँ पे रखता हूँ, इसका जंप कर पाऊँ मैं। ओह गाइस मैंने उसे टच कर ही लिया, देखो पूरा घूम गया वो व्हील, लेकिन अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इस बारी और अच्छे से ट्राई करेंगे, हो जाएगा भाई। बट यही बेंच ओद नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, बट कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं अपने आप को, हो ही जाएगा। ओके ठीक है, अच्छे से पकड़ लेता हूँ मैं इसे भी। एंड हो बच गया, बच गया मेरा मुन्ना, बच गया भोसड़ी का मुन्ना। ओह ना 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 बेटे ना। चलो ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। ओके ये जगह परफेक्ट है गाइस, थोड़ा सा नीचे भी हूँ मैं पहले से।
ओ अबे चूतिया, तूने पकड़ लिया था उसे भाई, इस बहन के टकनी से पकड़ लिया था। लगता है प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था भाई, इसलिए झटके के साथ छूट भी गया। चलो कोई ना। अबे क्या हुआ, अभी भी तो तूने सही से वहां तक पहुंच गया था। ओके चलो, वैसे मैं कर लूंगा गाइस, क्योंकि इतनी बार मैं वहां तक पहुंच जा रहा हूँ, उसे टच भी कर ले रहा हूँ, बस एक बार मेरे हत्थे चढ़ने की जरूरत है उसे। ये मादर पार्ट यहीं से गिर गया, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करते रहते हैं अपना बेस्ट देने का, और आप लोग भी बेस्ट दो सब्सक्राइब करके। ओके भाई, ये वाला ना जो पकड़ा मैं अभी, इसी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब देखा ना छूट ही गया था। चलो यहाँ पे अच्छे से जंप करते, लॉन्ग जंप। अबे भोसड़ी के पकड़ लेना, क्यों बार बार यार, क्यों बार बार गिर जा रहा है। उसको पूरा पकड़ने के बाद भी ग्रिप नहीं बना पा रहा ये टकला। ओ चलो कोई ना, वैसे भी मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ भाई, पहले से तो बहुत बेटर कर रहा हूँ मैं। इसको बहुत पहले अपलोड कर देता गाइस, लेकिन ना मैं बहुत ऊपर जाके सीधा नीचे गिर पड़ा धड़ाम से, तो मुझे दोबारा कंटिन्यू करने के लिए ऊपर आना था, और भाई बहुत टाइम लग गया। चलो कोई ना कोई ना कोई ना, अब ट्राई करते हैं। ये बैंड का लौड़ा, ये जो ब्लैक वाला पत्थर है, ये भाई क्यों दे दिया हो इसे, वैसे ही इतना लंबा जंप करना है, ऊपर से इस चूतिए पत्थर को दे दिए हो। ओह ये जंप बड़ा ही स्मूथ था भाई, ठीक है अब की बार मत छोड़ना भाई। ओहो देखो, उस वाला पहले वाला जंप जो था वो बेस्ट था, फिर भी ये वाला जो, ये वाला उतना सही नहीं था, लेकिन इसे पकड़ लिया इसने भाई, क्या ही बंदा है ये। ओह चलो अच्छे से पकड़े ना, क्योंकि भाई जब तक सही से ना पकड़ लो तब तक बिलीव मत करो। वैसे पकड़ने की बात यहाँ पे पत्थरों को चल रही है, किसी और चीज़ को ना समझ लेना। ओके ठीक है। ओ फिर से भाई, फिर से वही मिस्टेक, क्यों भाई क्यों तू मेरे साथ ये क्यों कर रहा है। या तो अच्छे से एक बारी में पकड़ ले, या तो मत ही पहुंच वहां तक, ये तो भाई धीरे धीरे टॉर्चर करने जैसा है। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके इस बारी अच्छे से ट्राई करते हैं, यही था भाई मेरा बेस्ट। छू दिया ये पत्थर, बहुत ऊपर भी नहीं जा सकता मैं, ये लो यहाँ तक ही ठीक है। ओके क्या ही स्मूथ जंप था, बट स्मूथ जंप का घंटा कोई फायदा नहीं है अगर मैं आगे पहुंच नहीं पा रहा हूं तो। ठीक है पकड़ लिया है ना, हो जान हलक में आ गई थी भाई अभी तो मेरी, पकड़ा कि नहीं, क्योंकि ये चूतिया बार बार वहां पे छोड़ देता है। ठीक है ये अभी तक हिलना बंद नहीं हुआ है भाई ये व्हील, अच्छे से पकड़ लेना चाहिए भाई मुझे अब, ठीक है। ओके क्या हो गया भाई, बात को इतना भी सीरियसली मत ले, वहां तक पहुंच कम से कम। चलो चलो चलो, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, और कितनी कोशिश करूं भाई, पकड़ लेना भाई पकड़ ले। ओ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये वाला जंप तुक्का था। ठीक क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है अब सही से ट्राई करते हैं। अब ये चूतिया टकला साथ नहीं दे रहा है, टाइमिंग मिस्टेक हो रही है ना मुझसे, क्योंकि अभी तक टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी मेरी। हो भाई इस बारी तो नीचे से जंप किया था थोड़ा, जहाँ से मैं पहले करता था ना उससे थोड़ा सा नीचे, बट फिर भी पकड़ लिया इसने। ओह चलो चलो परफेक्ट परफेक्ट।
ना 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 ना, यहाँ पे मुझे सही से इसे पकड़ लेना चाहिए, एंड पकड़े ना एल, इसी को बोल रहा था। ये बैन चोत छोड़ ही देता है भाई वहां पे पहुंच के, इसीलिए मैं उतना अच्छे से भरोसा नहीं करता इस पे। ठीक है, पिछली बारी तो यहाँ पे पकड़ लिया था, इस बार भी पकड़ लिया। जितना मैं ऊपर से ट्राई कर रहा हूँ ना, उससे बेस्ट है तो नीचे से, थोड़ा सा नीचे में, वहाँ से भी अच्छा खासा। यार मेरा टाइमिंग क्यों मिस हो रहा है भाई, मैं कहीं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ, डिप्रेशन नहीं डिस्परेशन में, क्योंकि इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। वहाँ पे पहुँचने के बाद, पकड़ने के बाद भी छोड़ दे रहा है ये बंदा। ये लो, ये पता नहीं फिर क्यों ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा लगता है भाई मेरा माउस ही खराब हो गया इसको प्ले करते करते, इतना हैवी लोड डाल रहा हूँ ना अपने माउस में, क्या बताऊँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, माउस को मैंने जस्ट 1 वीक पहले ही परचेज़ किया है नया वाला, तो मुझे नहीं लगता भाई इतनी जल्दी इसको ख़राब हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, दोबारा से वही घटिया से जंप पे आ चुके हैं। हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया गाइस। भाई अभी लाइक कर दो यार वीडियो को, क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट है भाई, फाइनली हमने कर दिखाया। ना अबे बहुत ऊपर मत जा, मुझे आगे वाला पे पत्थर भी पकड़ना है। ठीक है ओके, ठीक है पकड़ लिया ना मैंने। अबे यार अब ये कैंडल्स पे भी चढ़ना पड़ेगा। ओके वैसे इजी लग रहा है भाई। ओके 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 ओके, इजी तो नहीं है क्योंकि ये चूतिया हिल भी रहा है, और इतनी ऊपर आने के बाद ना डेफिनेटली भाई सबकी गांड फटती है, क्योंकि गलती से भी अगर गिर गया ना तो बहुत गंदा नुकसान होगा, इतनी दूर आने तक का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है ओ भाई, गंदा स्लीपिंग जो भी हो फिसल गया था। भाई रैंडम जंप किया था यार, मुझे लगा नहीं था मैं पकड़ लूंगा करके। ओके ठीक है, हाथ वाथ नहीं कांपने का यार, अगर गिर गया तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, क्योंकि जब भी हाथ कांपता है ना तभी और ज़्यादा गड़बड़ होती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सभी के सभी पत्थर किसी न किसी जानवर की तरह है, देखो ना सभी में आँख मुँह नाक दिख ही रहा है, ज़्यादातर मुझे कुत्ते और बाघ की तरह ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ से एक और बकचोदी बड़ा टर्न। ओके ओके ओके, गाइस मुझे बर्फ दिखने लग गई है। ओके ऊपर में लॉर्ड बुद्धा, भगवान जी हेल्प करना, ऊपर पहुंच जाऊं किसी भी हालत में। भाई इधर दिल एकदम ना धक धक कर रहा है। अबे नहीं, ओ ये फूल से भाई अभी हाथ स्लिप हुआ, मतलब कहीं ये फूल अपने लिए डेंजरस तो नहीं। ये देखो, मतलब अभी तक ना जो झाड़ था ना वो हमारे लिए गुड था, अब ये बकवास है। ठीक है याद रखना है इसे। ओके ओके, अब 1 सेकेंड, एक और जंप भाई, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अबे क्या कर रहे हो यार। ठीक है पकड़ लिया गाइस, पकड़ लिया फाइनली। ठीक है, ये डंडा इधर साइन कर रहा है हमारे को, ये एरो
ओके, यहाँ पे भी जंप करना है क्या? ठीक है, क्या हुआ? अबे मैं वापस आ गया। नहीं, गाइस यहाँ पे तो पत्थर थे ना पहले, इसका मतलब ओके, इसका मतलब भाई हमने इसे पार कर लिया फाइनली गाइस। भाई दिल को भाई एक सुकून से मिल रहा है यार। भाई बहुत सही लग रहा है भाई। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। भाई हालत ख़राब हो गई यार यहाँ तक पहुँचने में।